फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल यशवी फनी क्लास पर। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम हुआ यशवी कुमार और मेरा नाम ऋषभ कुमार। तो आप जानते हैं कि जैसे आप हम लोग का क्लास कर रहे थे अभी तक, तो अब से आप हमारे हमारे सर वो हमारे सर और वो हमारे पापा भी है, तो उन्हीं से आज क्लास करिएगा। उनका नाम राजीव सर है, तो उन्हीं के आईडी पर यह चैनल बना हुआ है। ओके दोस्तों, तो आप उनसे क्लास करिए। तो फ्रेंड्स, गुरुजी हमारे आज आपका क्लास लेंगे, तो सब एक्टिव रहिएगा, ठीक है? चलिए, तो चलिए, धन्यवाद तब तक के लिए। तो देखिए, ये हमारे गुरुजी है, इनसे क्लास करिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजीव रंजन सर और आप लोगों का स्वागत है ऋषभ एंड यशवीर फनी क्लासेस में। तो कुछ बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ, चूंकि मैं आज पहली बार आप लोगों के बीच आया हूँ इस चैनल पे। मैंने ये चैनल बनाया है और मेरे आईडी पे ये चैनल बना हुआ है। तो पहले भी ऋषभ और यशवीर को मैं ही पढ़ाता हूँ, मेरे गाइडलाइन में ही वीडियो अपलोड करते हैं। मैं वीडियो को पहले देखता हूं, जो सेंसर करना रहता है मैं उसको सेंसर कर देता हूं, और फिर यूट्यूब के तरफ से एक मैसेज आया था कि ऋषभ और यशवीर का, ऋषभ का शायद जो है उसमें एज कम था, उसका डेट ऑफ बर्थ चला गया था, तो उस वीडियो को सभी को मुझे डिलीट करना पड़ा और फिर से मेरे नाम से नया आईडी बनाना पड़ा और फिर से मैंने चैनल को स्टार्ट किया है। ऋषभ और यशवीर जो भी वीडियो अपलोड करते हैं मैं ही पढ़ाता हूं उनको, और मैं वीडियो को देखता हूं, सेंसर करता हूं, सारा मेरे गाइडलाइन में होता है। और आज से आप लोगों के समक्ष मैं राजीव रंजन सर। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, हमसे भी कुछ पढ़ लीजिए आज। तो फ्रेंड्स, चूंकि देख रहे हैं कि कंपटीशन कितना टफ है, और कंपटीशन में जो भी हो, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, तो हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो हिस्ट्री में जो टॉपिक है, सबसे मेन टॉपिक मुझे लगता है, ऐसे तो बहुत सा टॉपिक है, सभी टॉपिक को मैं वन बाय वन करके आपको बताऊँगा, पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा, ठीक है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। लेकिन आज का जो टॉपिक है, मैं जो आप लोगों के बीच लाया हूँ, वो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे लगातार सभी एग्जाम में क्वेश्चन कम से कम 10, 8, 6, कुछ ज़्यादा भी 15, 20 इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज चूंकि दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आज तो पूरा डिटेल से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज फर्स्ट पार्ट मैं जहां तक कर सकता हूं आज करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेता हूं मैं, तो द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का काल कब से कब रहा है। तो सबसे पहले इसका काल लिखते हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका काल है एडी 1206 से एडी 1526। एडी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है द बर्थ ऑफ लॉर्ड जीसस, ठीक है? तो समझ गए फ्रेंड्स, एडी मैंने क्यों लिखा है। एडी इसलिए लिखा है ताकि आप समझ जाएं, बहुत से जो रहता है टॉपिक उसमें आपने देखा होगा कि उसमें बीसी रहता है, बीसी में मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, और बहुत से जगह देखे होंगे आप लोग बीसीई रहता है,
बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है, एरा मीन्स होता है युग, है ना, यानी कि ईसा मसीह के जन्म का युग से पहले का जो भी घटना घटा है। और ये एडी, एडी का मतलब होता है एनोडोमिनी, एनोडोमिनी का मतलब होता है, एनोडोमिनी का मतलब होता है द बर्थ ऑफ लॉर्ड जेसस, यानी कि लॉर्ड क्राइस्ट या लॉर्ड जेसस का जो जन्म हुआ था, है ना, उसके बाद का जो समय है, ठीक है। तो जैसा कि आप समझ गए इसको, है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं कि कब से कब इनका काल रहा है। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले ये बता देता हूँ कि दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट इसका कैसे हुआ। तो जैसा कि आप लोग पहले भी, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ऑल दिस, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि गजनबी, है ना, ये गजनी, गजनी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि गजनी कहाँ से थे, तो गजनी अफगानिस्तान के थे, है ना। तो लिख के बताता हूँ मैं, गजनी, ये गजनी जो है मोहम्मद, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी कहाँ के थे, ये मोहम्मद गजनी जो है ना, ये कहाँ के थे, ये अफगानिस्तान के थे, कहाँ के थे, ये अफगानिस्तान के थे, ठीक है। मोहम्मद गजनी इनका जो है अफगानिस्तान में किंगडम था, सल्तनत था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपने सल्तनत को और ज्यादा एस्टेब्लिश करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सुन रखा था कि हिंदुस्तान या इंडिया या भारत जो भी कह सकते हैं, वहां काफी धन है, ठीक है, तो उसको इन्होंने लूटने की योजना बनाई। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं, इन्होंने लूटने की योजना बनाई। और जैसा कि आपने पढ़ा है और मैं भी सेकंड पार्ट में आपको डिटेल से बताऊंगा कि इन्होंने क्या किया, मोहम्मद गजनी इन्होंने क्या किया, 17 बार भारत पे आक्रमण किया था। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने 17 बार भारत पे आक्रमण किया था, और इसको मैं आपको डिटेल से बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इनका जो जगह था ये अफगानिस्तान के थे, ठीक है। तो यहीं पे अफगानिस्तान में ही एक छोटा सा सल्तनत था, उसमें एक शासक था, उसका नाम था मोहम्मद गौरी। क्या नाम था उसका, उसका नाम था मोहम्मद गौरी, ठीक है, उसका नाम था मोहम्मद गौरी। तो क्या हुआ, जब इसका काल खत्म हो गया, है ना, तो फिर क्या हुआ कि इसने अपने आप को प्रूफ किया, है ना, फिर इसने अपना सल्तनत एस्टेब्लिश किया, और इसे भी धन की आवश्यकता हुई, और इसने भी क्या किया कि हिंदुस्तान पे आक्रमण करना शुरू कर दिया, और उसने हिंदुस्तान पे आक्रमण करने की योजना बनाई, ठीक है। तो जैसा कि अब आपको बताते हैं कि मोहम्मद गौरी, है ना, इसने जो योजना बनाई हिंदुस्तान पे, और उसमें हिंदुस्तान का दिल्ली पे किसका शासन था, दिल्ली पे उसमें शासन था आपका किसका, है ना, तो पृथ्वीराज चौहान का, किसका शासन था, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, किसका शासन था, पृथ्वीराज चौहान का, पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली पे शासन था, है ना। तो इसने आक्रमण किया, और आक्रमण ये कब किया, 1191 ईस्वी में इसने आक्रमण किया, कब किया इसने आक्रमण, 1191 ईस्वी में, ठीक है। और क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में विजयी रहे, पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में विजयी रहे, ठीक है। तो फिर इसने क्या किया, फिर इसने दोबारा 1192, ठीक है, 1192 में इसने फिर आक्रमण किया, और पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार गए, ठीक है। तो इनका युद्ध में हारने का कारण क्या है, इनका युद्ध में हारने का कारण यह है कि जो भी इनके सपोर्टर, जो और छोटे छोटे राजा थे या समकक्ष जो भी राजा थे, उन्होंने इनका साथ नहीं दिया, ठीक है। तो फिर
इसने क्या किया है 1192 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पे कब्जा कर लिया। फिर यहाँ काफी लूट खसोट मचाया इसने। उसके बाद यहाँ से संपत्ति लेके फिर अपना वापस चला गया। और ये मोहम्मद गौरी है ना, ये मोहम्मद गौरी ठीक है, इसका एक गुलाम था, उस गुलाम का नाम था, क्या नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था इसका गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक है ना। तो इसने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही यहां अपॉइंट कर दिया दिल्ली सल्तनत पे 1206 ईस्वी में। कब अपॉइंट किया, 1206 ईस्वी में। और कुतुबुद्दीन ऐबक से ही दिल्ली सल्तनत का शुरुआत होता है। तो ये जो है इसको अब हम लोग पॉइंट टू पॉइंट और थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। आइए इसको मिटा लेते हैं पहले। द दिल्ली सल्तनत रिफर्स टू मेन फाइव सल्तनत है ना, इसमें जो है पांच मुख्य सल्तनत का नाम आता है, जिसको मैं अभी डिटेल से आपको बताऊंगा ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन पार लेते हैं। क्या करते हैं इसके लिए, एक लाइन खींच लेते हैं। लाइन खींच लिए ठीक है। अब सभी का नाम इसमें लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें काल निर्धारण कर लेते हैं कि किसका कब से कब काल रहा, और डायनेस्टीज जो पांच मेन है उसका नाम क्या है ठीक है। तो सबसे पहले नाम है आपका मामलुक। मामलुक का मतलब क्या होता है, मामलुक का मतलब होता है गुलाम। मामलुक का मतलब क्या होता है, मामलुक का मतलब होता है गुलाम, और इसे अंग्रेजी में आप स्लेव भी कहते हैं। ठीक है, मामलुक या स्लेव डायनेस्टीज ठीक है। तो इसका काल कब से कब रहा है, इसका काल आपका 1206 से 1290। इसका काल कब से कब रहे हैं, इसका 1206 से 1290 ठीक है। ये मामलुक या स्लेव डायनेस्टी का काल रहा है। चूंकि स्लेव डायनेस्टी इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि स्लेव का मतलब होता है गुलाम, और गुलामों का ही ये काल रहा है। चूंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोहम्मद गौरी क्या किए, उन्होंने अपना जो उनका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक उसे दिल्ली सल्तनत को सौंप दिया 1206 ईस्वी में, और वो वापस चले गए। तो पहला आपका नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का ठीक है।
उसका गुलाम था। फिर दूसरा नाम हम लिखते हैं दूसरा है आपका इल्तुतमिश। दूसरा क्या है? इल्तुतमिश है ना। ये इल्तुतमिश कौन था? ये कुतुबुद्दीन का भी गुलाम था, ये कुतुबुद्दीन का गुलाम था, ठीक है। अब तीसरा नाम आता है आपका, तीसरा नाम क्या आता है? तीसरा है आपका रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा? क्योंकि इससे पहले जिसका नाम आता है उसने कुछ भी नहीं किया, और जिस जो शासक कुछ भी नहीं करता है फ्रेंड्स, है ना, ना कोई सिक्के चलाता है, ना ही कुछ इस्टेब्लिश्ड करता है, तो उसका कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं होता है। तो रजिया सुल्तान आती है, और फिर रजिया सुल्तान के बाद नाम आता है आपका किसका? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, रजिया सुल्तान के बाद किसका नाम आता है? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, तो ये सभी आपका मामलुक या स्लेव डायनेस्टी में आते हैं। इसमें आते हैं मामलुक या स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, मामलुक या स्लेव डायनेस्टी, इसका काल 1206 से 1290 ईस्वी के बीच में आता है। ये पहला आपका है ना बैंड फाइव डायनेस्टीज में, बैंड फाइव सल्तनत या डायनेस्टीज। ठीक है, तो सबसे पहला ये हो गया। दूसरा चलिए लिखते हैं, और आप लोग भी नोट करते जाइए। ठीक है, दूसरा है खिलजी डायनेस्टीज। और खिलजी डायनेस्टीज का जो काल निर्धारण है वो कब से कब तक है, ये लिखते हैं। तो इसका हो जाएगा 1290 से 1320, 1290 से 1320 खिलजी का जो डायनेस्टी है कब से कब तक है? 1290 से 1320। ठीक है, तो खिलजी में कौन कौन से आते हैं, चलिए सबसे उसका नाम लिखते हैं। एक नंबर में आपका कौन है? एक नंबर में आपका नाम आता है जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम आता है? पहला आपका आता है जलालुद्दीन खिलजी, और दूसरा इसका भतीजे का नाम आता है ना, क्या नाम है उसका, आइए लिखते हैं। दूसरा क्या नाम आता है फ्रेंड्स? अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा क्या नाम आता है? अलाउद्दीन खिलजी। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसका आप लोग पिक्चर देखे होंगे, है ना, पद्मावत। जी हाँ, पद्मावत, जिसकी काफी बदचरना भी थी और चर्चा में रहा था ये पिक्चर, और बाद में सेंसर किया गया था कुछ ऐसा सीन उसमें, है ना, जिसका खली बली हो गया है दिल, आपने गाना सुना होगा। तो ये वही अलाउद्दीन खिलजी का जिक्र हो रहा है। ठीक है, तो खिलजी डायनेस्टीज में दो डायनेस्टी आपका ये हो गया। अब चलिए तीसरा आपको डायनेस्टीज की बात करेंगे, तो आपका आता है
तो आपका तीसरा आता है तुगलक डायनेस्टी, तुगलक है ना, तुगलक डायनेस्टी है। इसका काल निर्धारण कब से कब है देख लेते हैं, तेरह सौ बीस से चौदह सौ चौदह, इसका काल कब से कब है, तेरह सौ बीस से चौदह सौ चौदह है ना, तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी में एक नंबर में किसका नाम आता है, चलिए लिखते हैं है ना, तो इसका हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। एक गयासुद्दीन बलबन है जो कि आपका है ना स्लेव डायनेस्टी में आता है, मामलुक डायनेस्टी में, और ये जो है तुगलक डायनेस्टी में इसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। ऐसा नहीं है कि दोनों, आप लोग समझ लीजिएगा, एक ही बहुत से ऐसा क्वेश्चन में पूछता है जिससे कि स्टूडेंट फंस जाता है, तो कभी बता देता है इसका और कभी इसका। तो ये गयासुद्दीन बलबन अलग है और ये गयासुद्दीन तुगलक अलग है ना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इसको, गयासुद्दीन बलबन है, आपका गयासुद्दीन बलबन है और ये गयासुद्दीन तुगलक है, ठीक है। अब आगे लिखते हैं, दूसरा आपका आता है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। फिर तीसरा, तीसरा आपका आता है फिरोज शाह तुगलक, तीसरा क्या आता है फिरोज शाह तुगलक है ना। तुगलक डायनेस्टीज में पहला है आपका गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरा है फिरोज शाह तुगलक। तो ये पहला डायनेस्टी, दूसरा डायनेस्टी, तीसरा डायनेस्टी, अब चौथे डायनेस्टी की बात करेंगे। चौथा डायनेस्टी क्या है फ्रेंड्स, सईद डायनेस्टी। क्या है, सईद डायनेस्टी है ना, सईद डायनेस्टी या सईद डायनेस्टी भी कर सकते हैं। तो इसका काल निर्धारण कब से है ये देखते हैं। तो सबसे पहले एक बात मैं यहाँ बता दूं आपको है ना, ये फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, ये फिरोज शाह तुगलक, इनके ही टाइम में तिमूर का इन्वेशन हो जाता है, तिमूर इन्वेशन हुआ यानी तिमूर का आक्रमण हुआ, क्या हुआ, तिमूर का आक्रमण हुआ, ठीक है। तो तिमूर का आक्रमण इसमें होता है, तो ये कब से कब होता है, तो ये 1398 की बात है, ये कब का बात है, 1398 का बात है, ये यहां पे मैं लिख दूं तिमूर, तिमूर इन्वेशन, ठीक है, तिमूर इन्वेशन यानी तिमूर का है ना इस काल में 1398 में आक्रमण होता है। ये तिमूर जो है ये भी विदेशी है, बाहर से आता है और ये आक्रमण करता है 1398 में, और ये अपने है ना यहाँ लूट खसोट या जो भी करता है, ठीक है, अपना यहाँ सत्ता स्थापित करता है, और फिर क्या करता है, ये सईद डायनेस्टी का को एस्टेब्लिश करता है और अपने गुलाम को यानी खिज्र खान, ठीक है। तो एक में क्या हो जाएगा, खिज्र खान, ये खिज्र खान, ठीक है, इसको अपॉइंट ये करता है और फिर वापस चला जाता है अपना देश। तो ये खिज्र खान, ठीक है, अब खिज्र खान के बाद आता है, खिज्र खान के बाद मुबारक शाह है ना, खिज्र खान के बाद मुबारक शाह, और फिर इसके बाद
मोहम्मद शाह, ठीक है, खिजर खान के बाद मुबारक शाह, फिर इसके बाद मोहम्मद शाह, और फिर चौथा चौथा क्या है फ्रेंड्स? अलाउद्दीन आलम शाह। चौथा क्या है? पहला खिजर खान, फिर दूसरा मुबारक शाह, तीसरा मोहम्मद शाह, और चौथा अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। अब चलिए इसका काल कब से कब है निर्धारण इसको देखते हैं। तो इसका काल है 1400 से 1451। इसका काल कब से है? 1414 से 1451, ठीक है। पहला हो गया आपका मामलुक 1206 से 1290, दूसरा खिलजी 1290 से 1320, तीसरा तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414, और सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451। चार हो गया। अब पांचवा की बात करेंगे, तो पांचवा आपका हो जाएगा लोदी डायनेस्टी। पांचवा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पांचवा हो जाएगा लोदी डायनेस्टीज, ठीक है। तो लोदी डायनेस्टीज का काल निर्धारण कब से कब है ये भी कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 1451 से 1526, ठीक है। ये लोदी डायनेस्टीज है। तो लोदी डायनेस्टीज में कौन कौन से थे चलिए इसको लिखते हैं। तो एक नंबर में आपका आ जाएगा बहलोल लोदी। क्या आ जाएगा? बहलोल लोदी। दूसरा आपका आ जाएगा सिकंदर लोदी। दूसरा क्या आ जाएगा? सिकंदर लोदी। ये वही सिकंदर लोदी है जिसे जिसने आगरे शहर को बसाया था, ठीक है। ये प्रश्न है। और तीसरा आपका हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आपका लोदी डायनेस्टीज, इसका काल है 1451 से 1526, दूसरा आपका सिकंदर लोदी, और तीसरा आपका हो जाएगा इब्राहिम लोदी। ठीक है। ये इब्राहिम लोदी जो है ये दिल्ली सल्तनत का है ना, ये दिल्ली सल्तनत का सबसे आखिरी है ना डायनेस्टीज का आखिरी बादशाह या सुल्तान है ना ये है। और आगे आप लोग पढ़ेंगे कि इब्राहिम लोदी 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच फिर युद्ध होता है। तो 1526 से लेके 1707 ईस्वी तक है ना ये आपका आता है मुगल डायनेस्टीज। इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी तो यही चलेगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना नाम जो है कैसे याद रखते हैं काल सबका, तो सबका अभी इसका काल जो भी काल है सबको डेट वाइज मैं सेकेंड वीडियो में, और किसने क्या करा क्या किया नहीं किया, और इसके बीच में जो दो आते हैं ये है ना, ये दो जो नाम आता है एक नखरुद्दीन एक और नाम आता है, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया, ठीक है, जिसका कि कोई साक्ष्य इतिहास सही नहीं है। ये एक पपेट ऑफ नोबेल था, लोगों का हाथ का कठपुतली था जिसका कोई इतिहास नहीं मिलता है लेकिन उसका नाम आता है। तो सभी का और इन लोगों के बीच में जो काल निर्धारण है डेट वाइज सेकेंड वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। तो इससे आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए फ्रेंड्स।